हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम को लागू कर दिया है, जिससे अब नियमों की अवहेलना करने पर सभी तरह के चालान महंगे हो गए हैं। नए मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद वाहन चालकों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। नए मोटर वाहन अधिनियम आने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों के अनुसार नया मोटर वाहन एक्ट दुर्घटनाओं पर लगाम लगाएगा, क्योंकि युवा पीढ़ी यातायात नियमों की अनदेखी करती है और इस एक्ट के आने के बाद उन पर नकेल कसी जाएगी, जिससे दुर्घटनाएं कम होगी। वहीं कुछ लोगों ने इस एक्ट में थोड़ी ढील देने की भी मांग की है, ताकि गरीब पर मार ना पड़ सके। हमारे सोलन संवाददाता दीपक शर्मा से बात करते हुए लोगों ने बताया कि यह सरकार का सराहनीय प्रयास है और इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी व सभी लोग नियमों का पालन करेंगे। वहीं नए मोटर वाहन अधिनियम को कुछ टैक्सी चालकों ने सही करार दिया तो कुछ ने कहा कि यदि चालानों की राशि कुछ कम कर दी जाए तो बेहतर होगा। ये बहुत बढ़िया चीज है जी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। थैंक यू टू जयराम जी कि अभी इन्होंने किया है, क्योंकि हम जो यहाँ महसूस कर रहे हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, शराब पी के आते हैं, इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो वो कहीं भी गाड़ियाँ मार रहे हैं, गाड़ियों में गाड़ियाँ मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बाइक वालों को मार रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, पहले मरेंगे वो अपनी गलती की वजह से, ब्लेम गवर्नमेंट को कर देंगे फिर। तो ये एक्ट जो है बेस्ट एक्ट है और इसके ऊपर और ज़्यादा काम होना चाहिए, और ज़्यादा रूल सख्त होने चाहिए, तभी हमारा देश जो है थोड़ा बहुत यूरोप की तरह लगने लगेगा। हाँ जी, ये तो चलो जो चालान कर रहे हैं ना जी, इसका जो आजकल के नए लड़के हैं वो आजकल बहुत रफ चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। नहीं नहीं, ये तो रेट बढ़े, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गए जी। चालान गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए काफ़ी, और नए युवकों के लिए तो ठीक है कि चलो जो आजकल बाइक में आते हैं बिना हेलमेट के, गाड़ी वाड़ी कट मारते हैं, जिससे हमारे को खुद ही बचना पड़ता है। वैसे जब जो कानून बनता है जी, तो सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे टैक्सी वाला है चाहे कोई प्राइवेट चलता है, लेकिन इतना जरूर है कि वजन तो सारा टैक्सी वाले के ऊपर पड़ता है इसका, क्योंकि टैक्सी वाले के पास पहले ही काम नहीं होता और ऊपर से चलान करते हैं। बाकी जो नई पीढ़ी है, नए चला रहे आजकल गाड़ी चला रहे, वो तो बिल्कुल रॉन्ग आते हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। बहुत ज़्यादा अमाउंट कर दिया है, चलो इससे कुछ तो फायदे भी होंगे जो बिना लाइसेंस के चल रहे उसके बिना चल रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है टैक्सी के लिए, प्राइवेट के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि हर कोई आदमी नहीं दे सकता। निश्चित तौर पर इस एक्ट के बारे में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं। कहीं ना कहीं यह बात सच है कि युवा पीढ़ी जो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी व अपनों की जिंदगी को दांव पर लगाती है, इस कानून के लागू होने से भारी भरकम चालान के डर से कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद लगाई जा सकती है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।